Hello everyone, welcome to Avipedia. My name is Abhishek Sharma and today we are bringing you another video in Abhishek's Take. आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो आत्मनिर्भर भारत अभियान जो मोदी जी ने लॉन्च किया था, जिसके अधीन 20 लाख करोड़ रुपीज का पैकेज दिया जाना था. तो उसका जो थर्ड ट्रांच ऑफ अनाउंसमेंट्स है दैट्स रिलेटेड विद एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज, उनको हमने आज समझने की कोशिश करनी है फ्रॉम यूपीएससी प्रीलिम्स एंड मेंस पॉइंट ऑफ व्यू. जो वीडियो के लिए प्रेजेंटेशन मैं यूज कर रहा हूँ, प्रेजेंटेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन लिंक दैट इज अवेलेबल. ठीक है, तो आप वहां पे जाइए उस लिंक के ऊपर और उसको डाउनलोड कर लीजिए. अदरवाइज आप हमारी जो वेबसाइट है manuis.com, उसके अंदर अगर आप फ्री रिसोर्सेस में जाएंगे तो ऐसी ही सारी प्रेजेंटेशन जो मन्यूस के अंदर लेक्चर्स के लिए हम यूज करते हैं वो सारी भी आपको वहां पर मिल जाएंगी. ठीक, मोर ओवर अभिमन्युस के अंदर वी आर ब्रिंगिंग यू द होल जीएसपी का मेन्स ऑनलाइन लेक्चर कोर्स. जो हमारे क्लास वीडियो लेक्चर्स हैं वो सारे के सारे ऑनलाइन अवेलेबल हैं, तो अगर आप वो सब्सक्राइब करना चाहें तो उसके लिए भी जो आपको डिस्क्रिप्शन में ही लिंक मिल जाएगा. तो manuis.com की अगर आप वेबसाइट पे जाएंगे तो उधर भी ये सारे लिंक्स अवेलेबल हैं. तो चलिए आज विदाउट फर्दर एड्यू शुरू करते हैं आज का थर्ड ट्रांच जो 20 लाख करोड़ पैकेज का आया है. उसको थोड़ा समझने के लिए कॉन्टेक्स्ट पहले हम बना लेते हैं. तो एग्रीकल्चर या किसी भी सेक्टर के अंदर अगर आपने उसको समझना हो तो सेक्टर के अंदर हमेशा समझने के लिए इट इज इजियर दैट यू लुक एट इट फ्रॉम द डायमेंशन ऑफ फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेजेस. देखिए, जब एक प्रोडक्ट बन के रेडी हो जाता है तो वहां तक आने के लिए जो चीजें, जो स्टेप्स, जो लिंकेजेस प्ले में आई हैं, उन सारी चीजों को हम बैकवर्ड लिंकेजेस बोलते हैं. ठीक, और जब वो प्रोडक्ट बन जाता है तो प्रोडक्ट बनने के बाद की जो सारी की सारी चीजें हैं उनको हम फॉरवर्ड लिंकेजेस बोलते हैं. तो एग्रीकल्चर के अंदर आप समझ लीजिए कि लेट्स से योर हार्वेस्ट केम अलोंग. ओके, सो वंस द हार्वेस्ट इज देयर, प्रायर टू दैट हार्वेस्ट मल्टीपल थिंग्स हैव बीन एसोसिएटेड सच एज देयर वाज लैंड, देयर वाज लेबर, या देन देयर वाज मे बी क्रेडिट, देन देयर वाज सीड, इरिगेशन, yes, or monsoon, some way water was made available. Then if you think of it, there must be, you know, some kind of fertilizer, pesticide, etc. that was used. Then there must be other agri inputs, just like the ones we have discussed already. Phir in sab ke ilawa kuch aur intermediary areas yahan pe honge. तो ये सारी चीजें जो हैं ये दीज आर बैकवर्ड लिंकेजेस. दीज बैकवर्ड लिंकेजेस अलोंग विद द इंटेंस एफर्ट्स पुट इन बाय द एग्रीकल्चरल कम्युनिटी ऑफ इंडिया, दे क्रिएट द हार्वेस्ट. सो दैट्स द प्रोडक्ट दैट वी हैव, दैट्स द बैकवर्ड लिंकेजेस फॉर दीज प्रोडक्ट. फॉरवर्ड लिंकेजेस के लेवल पे समझेंगे तो वो प्रोडक्ट बनने के बाद की चीजें हैं, जब कंज्यूमर तक वो चीजें आती हैं तो उसके बीच में क्या क्या है. तो यहाँ पे अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो देर हैज टू बी एन एग्रीकल्चरल मार्केट जहां पे ये सारा प्रोड्यूस हम लेके जाते हैं. फिर एग्रीकल्चर मार्केट के बाद अगर आप देखेंगे तो ट्रांसपोर्टेशन जो यहाँ तक पहुंचने के लिए आपको चाहिए, और लॉजिस्टिक्स या वेयर हाउसिंग या बाकी सारी जो चीजें हैं जो यहाँ पे पहुंचने के लिए चाहिए. अब मार्केट में आने के बाद वहां पे स्टैंडर्डाइजेशन का एक एरिया है जिसपे काम करने की जरूरत पड़ती है. ठीक, फिर जितनी भी मार्केट इंफॉर्मेशन है उसकी जरूरत पड़ती है. तो अलग अलग हमारे पास यहाँ पे प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे एगमार्कनेट इन इंडिया. फिर इसके बाद अगर आप देखें तो पैकेजिंग सर्टिफिकेशन, जैसे कि FSSAI है तो वो जितनी भी हमारे फूड प्रोडक्ट्स हैं उनकी सर्टिफिकेशन करता है. राइट, सो पैकेज सर्टिफाइड और सर्टिफिकेशन प्रोसेस इज गोइंग ऑन. देन देर इज ऑफकोर्स यू नो the final consumer or retail. So this retail can be within the domestic market or it can go to even the export value chain. So this way there's a whole lot of forward linkages also involved in a particular product. Ab jo farmer hai basically wo kahan pe hai, farmer ya to idhar baitha hua hai ya fir ye sara kuch jo manage kar raha hai wo farmer hai. Theek hai na, aapko aise samajhna hai. अब इन बाकी के जो एरियाज हैं यहाँ पे इनको हम इंटरमीडियरी मान लेते हैं जहां पे भी फार्मर नहीं है. और इस चेन के एंड में जो है दैट इज द कंज्यूमर, वो चाहे डोमेस्टिकली
कंज्यूमर बैठा हो, तो चाहे वो जो कंज्यूमर है हमारा वो इंटरनेशनली कहीं पे भी एक्सपोर्ट मार्केट के अंदर हो सकता है। तो दिस इज हाउ द चेन इज गोइंग। अब इस सारी चेन के अंदर कहीं ना कहीं इंटरवेंशंस देखनी पड़ती हैं। उन इंटरवेंशंस के बेसिस पे ही ओवरऑल डेवलपमेंट एग्रीकल्चर में समझी जा सकती है। जो आज का पैकेज दिया गया है वो भी इसी जो लैंडस्केप है उसके अंदर आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। पहले देख लेते हैं कि एग्रीकल्चर की सिचुएशन क्या है। तो अगर आप आज PIB की वेबसाइट पे जाएंगे, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो .gov.in, तो आज थर्ड एडवांस एस्टिमेट्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स, ऑयल सीड्स एंड अदर कमर्शियल क्रॉप्स को आज रिलीज किया गया है फॉर द ईयर 2019-2020। एंड इन मोस्ट ऑफ द एरियाज वी हैव विटनेस्ड रिकॉर्ड प्रोडक्शन। दैट इज व्हाट यू मस्ट रिमेम्बर। सो रिकॉर्ड प्रोडक्शन हैज बीन हैपनिंग इन मोस्ट ऑफ द फूड ग्रेन। या सो अगर आप देखेंगे तो इट इज 295.67 मिलियन टन्स, विच इज हायर देन द यूजुअल एवरेज। ओके, एंड दीज आर द फिगर्स। यू सी, फॉर फूड ग्रेन इफ यू लुक एट इट, सो यू गॉट रिकॉर्ड प्रोडक्शन। देन फॉर ऑयल सीड्स देर इज अ रिकॉर्ड प्रोडक्शन, फॉर कॉटन देर इज अ रिकॉर्ड प्रोडक्शन, बट नॉट सो मच इन केस ऑफ जूट एंड शुगर केन, दैट्स एन एवरेज प्रोडक्शन। नाउ इस रिकॉर्ड प्रोडक्शन के चलते हमें समझना क्या चाहिए। बेसिकली ये है कि योर बैकवर्ड लिंकेजेस हैड लेड टू द प्रोडक्ट कमिंग इन टू द मार्केट। सो वंस द प्रोडक्ट इज इन द मार्केट, देन द फॉरवर्ड लिंकेजेस शुड इंश्योर दैट द फार्मर इज एबल टू रियलाइज द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। अगर आप लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ चुके हैं तो आपको याद होगा प्राइस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिमांड ओवर सप्लाई। अब आज के टाइम में अगर आप देखें COVID-19 की सिचुएशन में चलते हुए, जो डिमांड है दैट इज ऑलरेडी गोइंग डाउन, सप्लाई इज गोइंग अप, तो फॉर द फार्मर व्हाट इज गोइंग टू हैपन, द प्राइस रियलाइजेशन इज गोइंग टू बी डाउन। दैट्स वेयर द गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन प्राइसिंग रिजीम बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए हम जो है मार्केट के अंदर एग्री मार्केट का जो फ्रेमवर्क है वो गवर्नमेंट कंट्रोल्ड इंडिया में ज्यादातर रहा भी है, क्योंकि बम्पर प्रोडक्शन की बात तो हम करते हैं लेकिन उस प्रोडक्शन को कहीं ना कहीं बेसिकली ये जो इंटरमीडरीज यहाँ इस चेन के अंदर इन्वॉल्व हैं ये ज्यादा है, इसका फायदा उठा लेते हैं या प्राइस में वेरिएशंस अपने हिसाब से मिटिगेट कर लेते हैं कि इनको फायदा मिले। अब आप देखिए, अगर मैं एक छोटी सी एग्जाम्पल लेता हूँ, तो कोई भी एक सब्जी आप ले लीजिए, तो उसका अगर प्राइस फार्मर को 5 रुपये मिला है पर केजी के हिसाब से वो मंडी में बेच के आया है, तो आपको वो जो प्राइस है करीब 50 रुपये पर केजी के हिसाब से वो जो सब्जी है मार्केट से मिलेगी। तो जो वो प्राइस रियलाइज कर रहा है फार्मर, वो तो करीब 8 से 10% ही होता है। जो कंज्यूमर पे कर रहा है वो काफी हाई प्राइस है। बीच का जितना मार्जिन है, ये 5 रुपये से लेके 50 रुपये तक का जितना मार्जिन कर्व है, दिस इज बेसिकली टेकन अप बाय द इंटरमीडिएट्स इन द एग्रीकल्चरल इकोनॉमी। तो डिसइंटरमीडिएशन एक बहुत बड़ा इश्यू है। तो डिसइंटरमीडिएशन अब सीधे तौर पे करना इंडियन एग्रीकल्चर में बड़ा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज हमारे फार्मर जो हैं वो हमारे इंटरमीडरीज के ऊपर बहुत ज्यादा रिलाई करते हैं फॉर क्रेडिट, फॉर मार्केटिंग, फॉर अदर काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू द ग्रेन सीड एवरीथिंग। तो डिसइंटरमीडिएशन एक हद तक ही सीमित हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं। इसी वजह से गवर्नमेंट को जो करना पड़ता है डिसइंटरमीडिएशन की बजाय, दैट इज बेसिकली पॉजिटिव इंटरवेंशन। अब वो जो मार्केट इंटरवेंशन गवर्नमेंट करती है उसकी वजह से भी कहीं नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह के इफेक्ट्स आते हैं। तो एक मार्केट इंटरवेंशन जो आप लोगों को पता है, दैट इज एग्रीकल्चर प्राइसिंग पॉलिसी। तो जिसके लिए आप टर्म पढ़ते हो मिनिमम सपोर्ट प्राइस, और उसके लिए आपको फॉर्मूलाज वगैरह आप सब क्लास के अंदर पढ़ चुके हो। अब एक और अगर आप न्यूज पढ़ेंगे आज, मैं इंटरवेंशंस में जाने से पहले थोड़ा सा ये समझाना चाहता हूँ कि हमारे सिस्टम चल कैसे रहा है अभी, है ना। तो थोड़ा सा फिर उसके बाद हम आज की जब इंटरवेंशंस देखेंगे तो हमें ज्यादा बेटर समझ आएगा। अब डेवलपमेंट ऑफ एग्री मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके ऊपर भी कुछ इनपुट्स हैं। आज की PIB की वेबसाइट के ऊपर अगर आप जाएंगे तो दिस इज अनदर न्यू रिलीज टुडे। सो दे आर सेइंग दैट 38 एडिशनल मंडीज वर इंटीग्रेटेड विद ईनैम प्लेटफॉर्म टुडे, मेकिंग द टारगेट ऑफ फेज टू मंडीज एट 415। बेसिकली 585 मंडीज हम पहले जोड़ चुके हैं, तो अब जो है 1000 मंडीज अक्रॉस 18 स्टेट्स एंड 3 UTs हैव बीन एडेड टू द ईनैम प्लेटफॉर्म। कितनी मंडियां हैं हमारे यहाँ पे, अगर आप देश में देखेंगे तो 7000 से ऊपर मंडियां हैं। ये मंडियां का मतलब क्या है, बेसिकली APMC रेगुलेटेड मार्केट्स।
सो ये जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी एक्ट्स हैं, ये हर स्टेट गवर्नमेंट अपने लेवल पे कंट्रोल कर रही है, तो उनके अधीन ये मंडियां आती हैं। इन मंडियों के अलावा सब मंडीज भी हैं, टेम्पररी मार्केट्स भी हैं, तो वो भी काम करती हैं। अगर आपको याद होगा तो बजट के अंदर उन्होंने बात किया था ग्राम्स के बारे में, ग्रामीण एग्रीकल्चरल मार्केट्स, तो वो भी हैं हमारे पास एक इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। अब हमारी कोशिश तो ये है कि जितनी भी ये मंडियां हैं, जितने भी ग्राम्स हैं, सबको जोड़ा जाए, एक ही चैनल के अंदर ये लिंक हो जाए और एक ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म के लेवल पे हम एग्रीकल्चर मार्केट एस्टैब्लिश कर पाए। तो दिस वॉज अ वेरी बिग रिफॉर्म एंड दिस कैन देन वर्क एज अ वेरी पॉजिटिव इंटरवेंशन टू डील विद सम यू नो डिग्री टू डील पॉजिटिवली और टू डील इफेक्टिवली विद सम डिग्री विद द प्रॉब्लम ऑफ डिस इंटरमीडिएशन। यहां पे हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं एग्रीकल्चर के अंदर डिस इंटरमीडिएशन, ठीक है ना। तो इसमें ये बेसिकली हेल्प करेगा कि किसान जो है, द फार्मर यू नो शुड बी एबल टू कनेक्ट विद द कंज्यूमर एट अ वेरी डायरेक्ट लेवल। तो फार्मर कंज्यूमर कनेक्ट बनाने की कोशिश यहाँ पे हो रही है। तो दिस इज व्हाट इज बीइंग डन। ओके, जितनी ज्यादा लोग इसमें चेन में कम होंगे, इंटरमीडिएट्स कम होंगे, उतना फार्मर को बेनिफिट ज्यादा मिलेगा। तो जो ओवरऑल एजेंडा गवर्नमेंट का बनने में आ रहा है, दैट इज डबलिंग फार्मर इनकम। या आपको याद होगा अशोक दालवाई कमेटी जिसकी रिकमेंडेशंस आई थी इसको लेके, सो डबलिंग फार्मर इनकम को लेके भी दिस विल बी वेरी हेल्पफुल। ओके, चलिए अब हम जो है आज की जो इंटरवेंशंस हैं जो गवर्नमेंट ने करने की कोशिश की है और कहां तक ये इस एजेंडा को फॉरवर्ड लेके जाती है वो समझने की कोशिश करते हैं। सो इसको समझने से पहले एक थोड़ा सा एक और इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूंगा। कोविड 19 के चलते 2 अप्रैल 2020 में कुछ नया डेवलपमेंट्स ईनैम के अंदर हुआ है। तीन नए मॉड्यूल्स जो हैं वो ईनैम के अंदर लॉन्च किए गए हैं। एक है एफपीओ मॉड्यूल, दैट इज फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस। दूसरा है वेयरहाउस बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयरहाउस रिसीप्ट्स ईएनडब्ल्यूआर ट्रेडिंग। और तीसरा जो मॉडल है दैट इज लॉजिस्टिक्स मॉड्यूल। तो तीन मॉडल्स के अंदर जो है अब डेवलपमेंट्स आई हैं। ये तीनों वही मॉड्यूल्स हैं जो इससे पहले नीति आयोग ऑलरेडी रेकमेंड कर चुका था ईनैम के अंदर। तो उनको अब ये कोविड 19 लॉकडाउन के चलते इनको इम्प्लीमेंटेशन में लाया जा रहा है। तो बेसिकली ये मॉड्यूल्स क्या हैं, इनके बारे में जानकारी ऑलरेडी आप क्लास में भी ले चुके हैं। अगर आप इनके बारे में और पढ़ना चाहें तो आप यहीं से स्लाइड से इसको पढ़ सकते हैं। बेसिकली जो नीति आयोग की रिकमेंडेशंस थी, जो अशोक दालवाई कमेटी की रिकमेंडेशंस थी विद रिस्पेक्ट टू ईनैम, तो वही इसमें इंटीग्रेट किया गया है। नथिंग न्यू इज देयर। ओके, चलिए सो लेट्स गो ऑन टू अंडरस्टैंड द थर्ड ट्रांचे ऑफ द 20 लाख करोड़ रुपी पैकेज दैट हैज बीन focused at agriculture and allied activities in India. तो आज का ट्रांचे जो है उसमें फाइनेंस मिनिस्टर ने 8 मेजर्स करीब बताए हैं टू स्ट्रेंथन इंफ्रास्ट्रक्चर लॉजिस्टिक्स एंड कैपेसिटी बिल्डिंग इन एग्रीकल्चर। तो अगर आप देखेंगे ध्यान से तो ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों लेवल पे लिंकेजेस के अंदर उनको बेटर बनाने में हेल्प करेगा। और इसके बाद कुछ गवर्नेंस रिलेटेड रिफॉर्म्स भी दिए हैं, तो उनको बाद में हम देखेंगे। तो पहला जो है दैट इज ₹1 लाख करोड़ एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड फॉर फार्म गेट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर फार्मर्स। बेसिकली लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। अब जैसे कोई भी चीज आप फार्म से हार्वेस्ट करते हो तो उसमें बहुत सारे जो हमारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, लेट्स से दे आर पेरिशेबल आइटम्स। अब अगर उनको वहीं पे वॉशिंग, कोल्ड स्टेज इंफ्रास्ट्रक्चर और ये सब नहीं मिलता है तो फिर उनमें जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। तो बेसिकली लैक ऑफ कोल्ड चेन एंड पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इन द विसिनिटी ऑफ फार्म गेट कॉज अ गैप इन द वैल्यू चेन। एंड दिस यू नो इन एग्रीकल्चर मोस्ट ऑफ द फोकस हैज बीन ऑन शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन्स। अगर आपको याद होगा तो गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हुई हैं वो ज्यादातर क्या हैं, किसान क्रेडिट कार्ड और इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम्स, है ना। तो सिर्फ इन पे ज्यादा फोकस रहता है और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे थोड़ा सा कम फोकस रहता है। इसी वजह से आप अगर देखेंगे ना कि प्राइवेट सेक्टर की जो इन्वेस्टमेंट है या जो अगर आप एसडीआई एफडीआई कुछ देखने की कोशिश करेंगे तो आपको ऑलमोस्ट जीरो ही मिलेगी एग्रीकल्चर के अंदर। क्यों? क्योंकि उनको लगता नहीं कि ये कोई बहुत बढ़िया चीज है जिसमें हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। चलिए सो फाइनेंसिंग फैसिलिटी ऑफ ₹1 लाख करोड़ विल बी प्रोवाइडेड फॉर फंडिंग एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स एट फार्म गेट एंड एग्रीगेशन पॉइंट्स दैट इज प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज
or farmer producer organizations or agriculture entrepreneurs or startups. तो basically दो जगह पे ये agriculture infrastructure develop करने की बात कर रहे हैं. इससे post harvest management जो है वो इंडिया में सुधरेगी and this fund will be created immediately. So ये 20 लाख करोड़ में से आप सीधा सीधा 1 लाख करोड़ तो agriculture infrastructure fund में जो है वो रखा गया है. तो ये जो है basically forward और backward दोनों linkages को improve करेगा. कोल्ड चेन मैनेजमेंट में इम्प्रूवमेंट आएगी और पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट में इम्प्रूवमेंट आएगी. तो बेसिकली आप फॉरवर्ड लिंकेजेस से तो इसको डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं सिंस इट इज पोस्ट हार्वेस्ट. लेकिन अगर बैकवर्ड लिंकेजेस में देखेंगे तो वहां पे ऑलरेडी फार्मर के लिए कौन से क्रॉप्स लगाए जाएं इसका डिसीजन लेना भी इसी पे निर्भर करता है कि फॉरवर्ड लिंकेजेस में क्या क्या चीजें अवेलेबल हैं. तो ये बेसिकली एक बहुत एक यू नो चेंजिंग लैंडस्केप की बात होगी. अब लेट्स सी, बहुत सारे हमारे जो फार्मर्स हैं वो फूड ग्रेन में हम कहते हैं कि राइस वीट साइकिल में ट्रैप हैं. भाई उनके ट्रैप होने का एक कारण ये भी है कि हमारे पास कोल्ड चेन और पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है. अब राइस और वीट जो है ये इनको कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहिए. इस वजह से ये आराम से हर किसान उगा सकता है, उसको ट्रांसपोर्टेशन करना भी आसान है, सब कुछ आसान है. अब अगर डाइवर्सिफिकेशन हम चाहते हैं कि एग्रीकल्चर में वाकई में हो तो उससे पहले ये कोल्ड चेन और पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट जो है ये डेवलप करनी पड़ेगी. तभी जाके जो फार्मर्स हैं उनका एक विश्वास बनेगा कि वो इस तरह से क्रॉप्स के अंदर डाइवर्सिफिकेशन ला पाए. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. ₹10,000 crore स्कीम फॉर फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड एंटरप्राइजेस. अब बहुत सारे पापड़ अचार इस तरह के बनाने वाली जो है माइक्रो फूड एंटरप्राइजेस है इंडिया के अंदर. तो ये अब प्रधानमंत्री जी ने ऑलरेडी एक वॉइस दिया था वोकल फॉर लोकल विद ग्लोबल आउटरीच. तो एसेंशियली जितने भी हमारे माइक्रो फूड एंटरप्राइजेस हैं इनके अंदर जो आज के टाइम पे जरूरत है दैट इज फॉर टेक्निकल अपग्रेडेशन एंड दे नीड टू अटेन FSSAI दैट इज फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया सर्टिफिकेशन एंड दे नीड टू बिल्ड देयर ब्रांड्स एंड क्रिएट देयर ओन मार्केट्स. सो ओनली देन दे विल बी एबल टू यू नो बिकम ग्लोबल once they are established in the local market. Ab iske liye jo scheme hai, so they are launching a 10,000 crore rupee scheme. This will help 2 lakh micro food enterprises to attain the above goals. And what they are trying to do is, they are trying to create a cluster-based approach. For example, UP ke aam bahut mashhoor hain, Jammu Kashmir se kesar aata hai, फिर इसी तरह से नॉर्थ ईस्ट में बैम्बू की कल्टीवेशन बहुत अच्छे से है. तो इन सारी क्लस्टर बेस्ड अप्रोच के बेसिस पे वो माइक्रो फूड एंटरप्राइजेस की बिल्डिंग की बात कर रहे हैं. देन द एक्सपेक्टेड आउटकम एसेंशियली इज दैट दे विल वन डे बिकम यू नो ग्लोबल ब्रांड्स ऑन द बेसिस ऑफ इम्प्रूव्ड हेल्थ एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स एंड इंटीग्रेशन विद रिटेल मार्केट्स एंड इम्प्रूव्ड इनकम्स फॉर द फार्मर्स. सो दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इन दिस. So, अगर आप अब सोचने की बात शुरू करें तो क्या ये बैकवर्ड लिंकेज में आता है या फॉरवर्ड लिंकेज में, तो ये भी एक फॉरवर्ड लिंकेज का पार्ट है. और अगर आप देखेंगे दिस इज अ फॉरवर्ड लिंकेज वेयर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री कम टुगेदर इन द शेप ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री. सो ये फॉरवर्ड लिंकेज के अंदर आता है और इसके अंदर बहुत अच्छे से जो है फार्मर इंटीग्रेट हो सकता है, जो फार्मर्स की इनकम है वो बढ़ सकती है. देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, ₹20,000 crore फॉर फिशरमैन थ्रू प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना. नाउ दिस मत्स्य संपदा योजना वाज ऑलरेडी लॉन्च्ड इन द बजट. नाउ व्हाट इज बीइंग डन इज सो दिस फॉर इंटीग्रेटेड सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट ऑफ मरीन एंड इनलैंड फिशरीज. एक्चुअली क्या है कि जो बजट हमारा लागू होना था वो 1 अप्रैल से बजट लागू होना था और मीनवाइल वी हैड अ लॉकडाउन. सो वो जो स्कीम है वो अब लागू हो रही है. ठीक है, and it has been included in the 20 lakh crore rupee package. Ab 11,000 crore iske andar sanction kiye gaye hain for the marine inland fisheries and aquaculture aur 9,000 crore is for infrastructure that is for fishing harbors, cold chains and markets. So essentially this is going to be done and this will basically lead to additional fish production of 70 lakh ton over the 5 years. So basically isse aapke exports jo hain wo badhenge aur employment bhi generate hoga. और इसके अंदर फोकस विल बी ऑन आइलैंड, हिमालयन स्टेट्स एंड नॉर्थ ईस्ट एंड एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स. तो चार बेसिक फोकस पॉइंट्स हैं. इन चारों बेसिक फोकस पॉइंट्स को आपको प्रीलिम्स के लिए याद रखना है. ओके, सो ये आपको प्रीलिम्स के लिए कैरी जरूर करके लेके जाने हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम. सो बेसिकली फुट एंड माउथ डिजीज एंड ब्रुकलोसिस, दिस
program was launched already, but now what they're trying to do is 100% vaccination of cattle, buffalo, sheep, goat and pig population for FMD and the other diseases. So till date, around 1.5 crore cows and buffaloes have been tagged and vaccinated. Now they're trying to have it all. Already हमारे पास livestock census है, तो उस livestock census का data use करके we can be doing this. Okay? चलिए आगे बढ़ते हैं. Animal Husbandry Infrastructure Development Fund. So another fund will be created, that is for rupees 15,000 crore for animal husbandry. So essentially इसमें क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? Incentives will be given for establishing plants for export of niche products and a support to private investment in dairy processing, value addition and cattle feed infrastructure. तो अगर आप ऐसा कुछ काम करना चाहिए तो उसके लिए भी गवर्नमेंट की सपोर्ट अवेलेबल रहेगी. इसकी डिटेल्स अभी आनी बाकी हैं. अदरवाइज इट्स अ वेरी ल्यूक्रेटिव एरिया वेयर मोस्ट ऑफ द फार्मर्स वुड लाइक टू पार्टिसिपेट. आपको मैं एक चीज के ऊपर ध्यान दिलवाता हूँ कि आज की डेट में जो फार्मर इनकम है, अगर आप उसको ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे तो फार्मर इनकम का जो 60% हिस्सा है वो आ रहा है क्रॉप से, और 40% जो उसका अभी इनकम आ रही है दैट इज कमिंग फ्रॉम नॉन क्रॉप इनकम, दैट इज फ्रॉम अलाइड एक्टिविटीज एंड ऑल. इसमें जो सबसे बड़ा एरिया है दैट इज लाइव स्टॉक. दूसरे नंबर पे इसमें जो एरिया है दैट इज फॉरेस्ट्री, और तीसरे नंबर पे जो इसके अंदर एरिया है दैट इज फिशरी. या सो दीज आर द थ्री एरियाज वेयर द फार्मर इनकम कैन बी यू नो इंक्रीज्ड वेरी हाईली विदाउट डिस्टर्बिंग एनी काइंड ऑफ मार्केट मैकेनिज्म. बिकॉज आप देखिए क्रॉप्स में जब भी बंपर प्रोडक्शन होगी तो आपका ये रिलेशन लगना शुरू हो जाएगा, प्राइस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिमांड ओवर सप्लाई, तो उसमें गड़बड़ आनी शुरू हो जाती है. लेकिन इधर जो है ना डिमांड बहुत जबरदस्त है अभी भी इंडिया में, और इंडियन डिमांड तो छोड़िए आप, एक्सपोर्ट की डिमांड भी हमारी हमेशा इसमें ज्यादा रहती है. इंडिया हैज बीन अ यू नो लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ लाइव स्टॉक एट अ पॉइंट ऑफ टाइम. यस, सो यहाँ पे इंडिया के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है इफ यू ट्राई एंड डेवलप दीज थिंग्स. ओके, मूविंग ऑन. प्रमोशन ऑफ herbal cultivation. So here rupees 4000 crore are being sent. So essentially we have a national medicinal plant board. So basically what we'll try to do is 10 lakh hectares will be covered under herbal cultivation in next 2 years with the outlay of 4000 crore, and we'll try to bring in 800 hectares area by developing a corridor of medicinal plants along the banks of Ganga. तो जो गंगा मैली हो गई थी अब बहुत साफ हो गई है लॉकडाउन के पीरियड के अंदर, तो इस वजह से वहां पे जैसे मेडिसिनल प्लांट्स वगैरह अगर उगाए जाएंगे तो इसका डबल बेनिफिट मिलेगा. एक तो गवर्नमेंट वॉच क्रिएट हो जाएगा, अब नाउ दे विल बी देन केयरफुल कि कौन कौन पोल्यूट कर रहा है कौन कौन नहीं, और दूसरा ये जो है हमारी आयुष का जो सिनेरियो है वो थोड़ा और अच्छे से सपोर्ट हो जाएगा. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. Bee keeping initiative. So now within the allied activities, bee keeping is a very good activity with respect to livelihood support for rural areas. It's very simple. So most of our farmers can practice it. And what it helps is basically in two ways. One is farm income and second is better pollination. So it provides honey and beehives also, beehive products like wax. And government will implement the scheme for infrastructure development related to integrated beekeeping development centers, collection, marketing, storage, etc. You know, the honey that we get from the market, that can go anywhere from 100 rupees per 500 gram to 1000 rupees per 500 gram depending upon aapki brand value kaisi hai. So branding ke level pe ye bahut depend karega, aur wahi ye implementation of standards and developing traceability system उसके basis पे ये set करने की कोशिश करते हैं. ये traceability का मतलब ये होता है कि ये कहाँ से आया, product की जो backend है वो कहाँ से है, lineage कहाँ से है. तो product lineage जो essentially traceability के through ensure की जाएगी, यही product lineage उसकी brand value improve करने में help करेगा. आप internet पे जरा search मार के देखो forever honey, so you'll come to know what I'm talking about. So forever is one of the brands and it is selling its honey at a very high cost, you know, somewhere near 1600 rupees a kg. और अगर आम मार्केट में अगर आप जाके देखें तो आपको 200 रुपए किलो भी मिल जाएगा. तो इस हिसाब से बहुत ज्यादा इसमें वेरिएशंस हैं इसकी प्राइस के अंदर, डिपेंडिंग अपॉन आर यू एबल टू डेवलप ट्रेसेबिलिटी सिस्टम्स, आर यू एबल टू डेवलप द ब्रांड वैल्यू विद दीज प्रोडक्ट्स. ओके, देन वन मोर थिंग दैट इज पॉजिटिव हियर इज कैपेसिटी बिल्डिंग विल थ्रस्ट ऑन वुमेन. सो बेसिकली women empowerment can also be done through this.
and this will lead to increase in the income of 2 lakh beekeepers and quality of honey for the consumers. Okay, एक और जो इंटरवेंशन आज एग्रीकल्चर के लेवल पे की गई है दैट इज फ्रॉम टॉप टू टोटल. अब टॉप आपको याद होगा कि बजट के अंदर अनाउंस किया गया था पहले 2016-17 के अंदर दैट टमेटोज अनियंस एंड पोटेटोज सो दीज थ्री क्रॉप्स विल बी टेकन इनटू अकाउंट. तो बेसिकली इसमें जो डिस्ट्रेस सेल या रिडक्शन इन प्राइस हैपेंस व्हेनेवर देयर इज अ सप्लाई ग्लट सो एट दैट टाइम गवर्नमेंट विल डू सम मिटिगेशन एफर्ट्स कि इनका जो प्राइसेस हैं वो एकदम से क्रैश ना करें मार्केट के अंदर. तो देयर नाउ दिस विल बी एक्सटेंडेड टू ऑल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. दिस इज व्हाट द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू डू. नाउ बेसिकली इन दिस स्कीम व्हाट दे विल डू इज 50% सब्सिडी ऑन ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम सरप्लस टू डेफिशिएंट मार्केट्स एंड 50% सब्सिडी ऑन स्टोरेज इंक्लूडिंग कोल्ड स्टोरेज. देखिए दो बातें हैं. अब या तो आप जो प्रोडक्ट है अगर डिमांड सप्लाई की बात करें, अब मैंने आपको बताया कि ये एक बहुत क्रूशियल कोरिलेशन है एग्रीकल्चर के अंदर. अगर आप एक पर्टिकुलर मार्केट में हैं M1 जिसके अंदर डिमांड जो है दैट इज लेस सो यू वुड वांट टू फाइंड अनदर मार्केट M2 वेयर द डिमांड इज हाई सो दैट यू गेट अ बेटर प्राइस रियलाइजेशन. अब यहाँ पे आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को अगर गवर्नमेंट मिटिगेट कर रही है तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग. अब इसकी एक एक्सटेंट और लिमिटेशन और कितना ये चीजें होंगी ये अभी देखना बाकी है. दूसरा जो एरिया है जो डिस्ट्रेस सेल अवॉइड करने की बात है. अब एग्रीकल्चर के जो प्रोडक्ट्स हैं ना इनकी डिमांड तो रहती है थ्रू आउट द ईयर लेकिन टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. इट्स अ टाइम डिपेंडेंट डिमांड. या अब आम जो है आप अब गर्मियों में खाना शुरू कर रहे हो लेकिन आपका मन तो करता है ना कि जो सफेदा आम है वो सारी गर्मी आता रहे, है ना. अब जब आम टूटता है तो उसको एकदम से डिस्ट्रेस सेल होते हैं क्योंकि जैसे ही टूट रहा है तो उसके बाद खराब होना भी शुरू हो जाएगा. तो उस टाइम पे जो सेकंड अल्टरनेटिव है दैट इज कोल्ड स्टोरेज. या तो जितनी हो सकता है उसको कोल्ड स्टोरेज के अंदर रखा जाए तो उसके बाद उसको सेल किया जाए तो टाइम के साथ साथ उसका जो प्राइस है वो अपने आप बढ़ जाएगा क्योंकि एकदम से जब सप्लाई ग्लट आएगा उतनी डिमांड मार्केट में नहीं होगी, उतना पिकअप नहीं हो पाएगा विद इन दैट पर्टिकुलर टाइम फ्रेम. तो बाद में जब आप कोल्ड स्टोरेज में रख के उसको बेचने जाएंगे तो फिर फार्मर्स के लिए ज्यादा प्राइस इंसेंटिव हो सकता है. देन द स्माइल कैन बी रियली मेंटेन द वन दैट द लेडी इज शोइंग हियर इन द पिक्चर. चलिए आगे बनते हैं. सो दिस इज अ पायलट प्रोजेक्ट फॉर 6 months ओनली फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एंड इट विल बी एक्सपेंडेड एंड एक्सटेंडेड दैट्स व्हाट द गवर्नमेंट हैज प्रॉमिस्ड. देन एक्सपेक्टेड आउटकम इज बेटर प्राइस रियलाइजेशन लाइक वी जस्ट अंडरस्टूड. ओके आगे बढ़ते हैं. अब आगे के जो रिफॉर्म्स हैं दे आर फोकस्ड एट गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स. सो 3 गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स हैव बीन हाइलाइटेड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर. नाउ अंडरस्टैंड दिस, दीज रिफॉर्म्स आर इन कंटिन्यूएशन विद ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिफॉर्म्स दैट हैव बीन हैपनिंग. तो सिर्फ कुछ लोगों को लगेगा लो 3 ही रिफॉर्म करने वाले थे क्या एग्रीकल्चर के अंदर, तो ऐसा नहीं है. ये ऑनगोइंग एग्जिस्टिंग रिफॉर्म्स के अंदर एक लिनेज बिल्ड हो रहा है, उसके आगे अब उसको चल रहे हैं. तो एक बड़ी देर से डिमांड आ रही थी कि हमारा जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है इसमें कुछ अमेंडमेंट्स लानी चाहिए. तो वो अमेंडमेंट्स जो नीति आयोग ने ऑलरेडी रिकमेंडेशंस की हुई हैं इन दी 3-year एनुअल एक्शन एजेंडा, तो वही जो रिकमेंडेशंस हैं उनको अब इम्प्लीमेंट किया गया है इन दिस पर्टिकुलर थिंग. सो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट जो है इसको 1955 में इनैक्ट किया गया था. तो उस टाइम पे स्कैर्सिटी होती थी फूड प्रोडक्ट की, इसी वजह से ये सारे का सारा इस तरह से ड्रैकोनियन टाइप ऑफ लेजिस्लेशन बना हुआ था खासतौर पे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के लिए. और ये एक इन्वेस्टमेंट लिमिटिंग फैक्टर भी हो जाता है उस पर्टिकुलर सेक्टर के लिए इसी वजह से. अब ये कहा गया है दैट एग्रीकल्चरल फूड स्टफ्स इंक्लूडिंग सीरियल्स, एडिबल ऑयल, ऑयल सीड्स, पल्सेस, अनियंस, पोटेटो एक्सेट्रा विल बी डीरेगुलेटेड. वंस दे आर डीरेगुलेटेड एसेंशियली देयर प्राइसिंग एंड एवरीथिंग can then be taken up by at the market level. The stock limits, everything can be, you know, dealt with as per the market principles. Okay, and no such stock limit shall apply to processors or value chain participants subject to their installed capacity or to any exporter subject to export demand. And government will essentially amend the Essential Commodities Act for this purpose. So, uski amendment abhi aana baki hai, lekin uska jo ड्राफ्ट है वो आपको पेश किया गया है. दिस इज ऑन द लाइंस ऑफ नीति आयोग 3-year एनुअल एक्शन एजेंडा. तो हमने क्लास नोट्स के अंदर भी इसको कवर किया है, अगर आप उसको देखना चाहें तो वहां से आप उसको फिर से एक बार रिवाइज कर सकते हैं. ओके, देन एग्रीकल्चर मार्केट रिफॉर्म्स टू प्रोवाइड मार्केटिंग चॉइसेस टू फार्मर्स.
सो बेसिकली हमारे एपीएमसीज के बारे में मैंने बात किया है, इनकी एपीएमसीज की बड़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं, तो आप अपने क्लास नोट्स रेफर कर सकते हैं इनके इश्यूज को देखने के लिए। अब उन्हीं इश्यूज में से कुछ ये हैंडल करने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे। सो फार्मर्स वर बेसिकली बाउंड टू सेल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ओनली टू लाइसेंसीज इन एपीएमसीज, सच रिस्ट्रिक्शंस ऑफ सेल इज नॉट देयर ऑन इंडस्ट्रियल प्रोड्यूस। सो देखिए, आप इंडिया के अंदर जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो कोई भी चीज बना रहे हैं उनके ऊपर ऐसी कोई लिमिटेशन या बाइंडिंग नहीं है कि आप अपना प्रोड्यूस एक ही बंदे को जाके ही बेच सकते हैं, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो वो खरीदने वाले पे ये निर्भर करेगा कि आपको प्राइस क्या मिलता है। तो इट विल बिकम अ बायर्स मार्केट, नॉट अ सेलर्स मार्केट। तो दिस इज अ बिग हिंड्रेंस फॉर द फार्मर्स। सो बिकॉज ऑफ दिस, यू नो, फार्मर्स वर नॉट एबल टू रियलाइज सफिशियंट अमाउंट ऑफ प्राइस फॉर देयर प्रोड्यूस, एंड इट वुड ऑल्सो हिंडर फ्री फ्लो ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, and it will also create fragmentation of agricultural and market supply chains. Ab iske liye sudhar karne ki baat ki ja rahi hai, that is central law will be formulated to provide adequate choice to farmer, ki jahan jaake wo bechna chahta hai attractive price pe apna saman beche, and barrier free interstate trade. Main yahan pe ek aapko technical cheez bata dun ki ye jo interstate trade hai, this is within the ambit of center in the 7th schedule, it's in the union list, okay. So, इस वजह से यहां पे जो लॉ है वो सेंटर गवर्नमेंट बना सकता है, क्लियर? ऑल्दो एग्रीकल्चर इज अ स्टेट सब्जेक्ट, ओके, एंड एग्रीकल्चर मार्केटिंग इज देयर, सो देयरफॉर वहां पे तो ज्यादातर स्टेट की लॉज चल रही थी, लेकिन इसको लेके जो है सेंटर की लॉ बन सकती है। देन फ्रेमवर्क फॉर ई ट्रेडिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, तो वी ऑलरेडी नो ई नैम एज वी हैव टॉक्ड अबाउट, तो उसके जो तीन मॉड्यूल्स हैं वो भी आपको रिवाइज करने हैं, तो उसको और ज्यादा अब सेंट्रल लॉ के अंदर क्लैरिफाई किया जाए कि इसको यूज कैसे करना है, ये काम कैसे करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस प्राइस एंड क्वालिटी एश्योरेंस। तो एसेंशियली हमारे यहाँ पे ना एक बहुत बड़े डाउट्स आने शुरू हो गए थे कि विद रिस्पेक्ट टू पेस्टिसाइड यूजेज इनडिस्क्रिमिनेटली जो की जा रही है एग्रीकल्चर के अंदर, तो इसका क्या हार्मफुल इफेक्ट होगा हमारे ह्यूमन हेल्थ के ऊपर। तो ये कुछ एरियाज थे कि इंडियन फूड के अंदर 67 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेस्टिसाइड्स जो हैं वो यूज होते हैं, और ये बहुत लीथल पेस्टिसाइड्स हैं, तो एक इशू इसमें रहता है हमेशा। तो इसी वजह से हम ऑर्गेनिक फार्मिंग और ये सारी चीजें जो है प्रमोट कर रहे थे इंडिया में, तो उसको लेके कुछ इंटरवेंशन हैं, लेट्स लुक एट देम। सो फार्मर्स लैक एन एनफोर्सेबल स्टैंडर्ड मैकेनिज्म फॉर प्रेडिक्टेबल प्राइस ऑफ क्रॉप्स एट द टाइम ऑफ सोइंग, एंड प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट इन प्रोविजन ऑफ इनपुट्स एंड नो हाउ इन द एग्रीकल्चर सेक्टर इज हिंडर्ड। So what they're trying to do is now facilitated legislative framework will be created to enable farmers for engaging with processors, aggregators, large retailers and exporters in fair and transparent manner. So essentially क्या होगा? अब आप देखिए organic farming या ऐसी किसी भी चीज की तरफ आप जाते हैं, improvement करने की कोशिश करते हैं, तो आपकी cost बढ़ती है। अब ये cost तो ठीक है, farmer input दे देगा, लेकिन उस input के ऊपर कुछ realization भी तो होनी चाहिए। तो वो जो प्राइस रियलाइजेशन है वो अब अगर एक लीगल मैकेनिज्म के थ्रू इंश्योर की जाती है तो दैट विल बी अ वेरी गुड एफर्ट, ओके। देन रिस्क मिटिगेशन फॉर फार्मर्स, अश्योर्ड रिटर्न्स एंड क्वालिटी स्टैंडर्डाइजेशन शैल फॉर्म इंटीग्रल पार्ट ऑफ द फ्रेमवर्क। सो दिस विल ऑल्सो हेल्प इन द सेम गोल ऑफ प्राइस रियलाइजेशन बाय द फार्मर एंड हेल्प द फार्मर्स एसेंशियली अचीव डबलिंग फार्मर इनकम। सो दिस आर द मेजर्स दैट वर अनाउंस्ड टुडे। So, as far as agriculture sector is concerned, all these measures are hugely reformative and they are good for the agrarian economy and the farmer as it is. Hope that they will help the farmer move out of the economic distress that has been further compounded by this COVID crisis. Or agriculture, chahe jo bhi ho, aaj bhi Indian economy ki ek backbone hai, kyunki hamare at least jo consumers hain wo agriculture ke andar hain, bahut sare allied activities ke andar hain. तो हमें उनका भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। गवर्नमेंट के जो एफर्ट्स हैं वो एग्रीकल्चर और लाइट एक्टिविटीज के लिए आ रहे हैं, अब इनके अंदर और भी एफर्ट्स प्राइवेट सेक्टर को भी अपने लेवल पे करने चाहिए ताकि ये इकोनॉमी में अपना प्रॉपर योगदान डाल पाए, ठीक है। सो आई होप ऑल दीज वर अंडरस्टूड बाय यू। इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन राइट इन टू मी एट माई ईमेल आईडी, दैट इज abhishek@abhimanyu.com। यू कैन फॉलो मी एट माई टेलीग्राम चैनल फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स ऑन यूपीएससी। And if you want any help with respect to your UPSC preparation, you can contact me. You can visit our website, that is abhimanyuias.com,
And on this website, you can subscribe to all kinds of courses that you may need for your GS preparation within UPSC. Okay. So a full course has been developed, that's by the name of IGSON 2020-2021. So which will be useful for you. इसमें क्लास वीडियो लेक्चर्स हैं और वो क्लास वीडियो लेक्चर्स के साथ ये जिस तरह से हम अभी करंट अफेयर वीडियोस बना रहे हैं तो ये सारी करंट अफेयर वीडियोस आपके नोट्स को अपडेट करने में हेल्प करती हैं. सो होप यू एंजॉय द वीडियो एंड डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो. थैंक यू सो मच. ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन. दिस इज मी अभिषेक शर्मा साइनिंग ऑफ.